मेरा नाम है इलाई शेन और कल मैंने थ्लक टेरा का सफर तय किया जो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। हमें यहाँ सेफ रहने के लिए स्लग्स स्विम करने पड़ते हैं। मेरे नए दोस्तों की वजह से मैं इस कंपटीशन में पहुँचा हूँ जहाँ मुझे कुछ स्लग्स जीतने होंगे। तुम जल्दी करो, पहला राउंड आज रात स्कॉट्स पार्क गुफा में शुरू होगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जीतना है। बाबा रे, शुक्रिया प्रांटो। ये चट्टाना पे चढ़ना आसान काम नहीं है। मैं अभी गिरने वाला था, वो भी चौथी बार। वो तो तुम मेरे हुनर की वजह से बच गए जी, वरना यहाँ तक लाना किसी आम आदमी का काम नहीं है। बढ़िया। तुम दोनों अब तक कहाँ रह गए? मोल्टन लावा, रेजर शार्प क्लिफ्स और एक सुस्त मोलेनॉइड जिसकी वजह से हमें देर हो गई। क्या, मैं तो तेज चला था ना। पर तुम सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए? क्या यहाँ आने के लिए रास्ता भी है? आज अब मेरे साथ हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस तुम्हारी बुराई से लड़ने के लिए तुम्हें ट्रेन करना चाहता था। अच्छी बात यह है कि तुम पहुँच गए। अब सवाल ये है कि तुम्हारा मुकाबला किससे है? संभल कर लड़ना वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। अलगर, ये लावा लेस तुम्हें जलाकर राख कर सकते हैं जी। अरे बाप रे। वैसे ये बहुत खतरनाक था, पर साथ ही उतना ही मजेदार भी। द्वंद्व युद्ध के लिए ये हमेशा ऐसी खतरनाक गुफाएं चुनते हैं क्या? अरे पागल मत बनो, टूर्नामेंट का हर एक मुकाबला अलग 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 गुफा में ही होता है। शायद सबसे खतरनाक गुफा उन्होंने फाइनल मैच के लिए रखा होगा। हे गॉड, सब लोग किस लिए खड़े हैं? तुम्हें नहीं लगता कि हमें मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए? यही तो प्रॉब्लम है, मैच किस से है और किस तरह की है ये वो मैच शुरू होने से पहले नहीं बताते। क्या पता मुझे शायद एक शार्प शूटिंग मुकाबला करना पड़े या किसी मशीनी जानवर से लड़ना पड़े, कुछ भी हो सकता है। वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं अपनी भविष्यवाणी जानने की कला से तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दूंगा ना। अटेंशन, टूर्नामेंट का पहला राउंड वन ऑन वन फाइट होगी। ध्यान से सुनो, ये वन ऑन वन फाइट है, तगड़ा मुकाबला। बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हावी है ना दोस्त। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें लावा से परेशानी नहीं होती? अब नहीं बचोगे, ये वाला मैंने सबसे आखिर के लिए रखा था। मैंने भी हमें हमारा विनर मिल गया, इलाई शेर, जो चाहे ले लो मिस्टर शेर। मुझे पता है तुम कौन सा चुनोगे, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तुम्हारा ट्रेशर बहुत अच्छा स्लग है, पर मैं उसे नहीं लूंगा। मुझे भी उतना ही बुरा लगेगा अगर किसी ने बोपी को मुझसे ले लिया। तुम एक आर्म शेल्ट हो है ना? मैं किसी मुकाबले में तुम्हें तोप के गोलों की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो क्या कहते हो? मैं तुम्हें बुलाऊंगा बैंगो, तुम्हें पसंद आया ना? तो मेरे पहले मैच की शुरुआत बढ़िया रही है ना प्रांटो? प्रांटो, तो तुम यहाँ हो? हाँ बोलो, मैं यहाँ हूँ। तुम हार गए तो मैं कोई नई नौकरी नहीं ढूंढ रहा, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जीत गए हो, तो क्यों ना हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद कर देगी और आगे के मुकाबले के बारे में सोचें।
मैं भी मेरा पहला राउंड जीता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, हटो सामने से। क्या मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारी जीत पर मैं कितना खुश हूँ? और अगला मुकाबला है द किंग ऑफ स्विंग का ट्रिक्सी स्विंग से। अब अपनी हार मान लो किंग ऑफ स्विंग के सामने। ये फड़ फड़ाने के लिए और इस वाले से मेरी जीत पक्की। इस राउंड की विनर है ट्रिक्सी। क्या बात है, पर लगता है कोई हार गया है ना? सही कहा, तुम्हें देखना चाहिए था कैसे मैंने उसे धूल चटाई। ब्लैक, कितनी बार कहा है कि जब काम कर रहा हूँ तो डिस्टर्ब मत करो। रक्स लिंगिंग टूर्नामेंट के बारे में बात करनी है। और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? वो छोटा शेन अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ। सूत्रों ने बताया कि वो बहुत अच्छा खेलता है। आपको नहीं लगता कि वो हमारे लिए एक मुसीबत बन सकता है? 10 साल बाद शायद। बॉस, पर क्या आप चाहते कि मैं उस पर अभी भी नजर रखूं? निकलो यहाँ से। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। कमोन दोस्तों, और तेज। हम अभी तक रॉक लॉक गुफा के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुँचे और मुकाबला बस आधे घंटे में शुरू होने वाला है। गॉड, मैं तुमसे पूछने ही वाला था, केव ट्रोल्स असल में बहुत अच्छे इंजीनियर्स होते हैं ना? ओ, अब मैं खुद की क्या तारीफ करूं? तो फिर तुम स्लग स्लिंगर क्यों बने? मेरा समुदाय चाहता था कि मैं अपने डैड का बिजनेस संभालूं। आज हम जितने भी ब्रिज इस्तेमाल करते हैं वो मेरी ही फैमिली ने बनाए हैं। पर पत्थर तोड़ने से कहीं ज्यादा मजा स्लग स्लिंगिंग में ही आता है, क्यों? हाँ बिल्कुल सही कहा जी, और मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैगर परिवार से हूँ ना। तुम्हारी क्या कहानी है ट्रिक्सी? कुछ खास नहीं, मैं थक चुकी थी ये देखकर कि कुछ बदमाश मेरे घर में घुसकर परेशान कर रहे थे। आखिर शेन की जगह किसी न किसी को तो लेनी ही थी। मेरे अलावा कोई भी इस काम को करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं फिल्म बनाती हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि स्लग टेरा में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा। और एक्सप्लोर करना मेलेनॉइड की सबसे बड़ी कला है जी। इससे मुझे याद आया, हम सब आखिर है कहाँ प्रॉन्टो? मैं तुम्हें एक शॉर्टकट से लेकर आया हूँ ना। वो तो शैडो क्लैन मार्किंग्स है, क्या ये उनका इलाका है? है नहीं था, पर अब कई सालों से उनको किसी ने नहीं देखा। दोस्तों मुझे लगता है अब वो वापस आ गए हैं। कौन? शैडो क्लैन? मुझे हमेशा से उन्हें देखना था। और अगर तुम उनके जरा भी नजदीक गए तो तुम उन्हें पहली और आखिरी बार देखोगे। तो अब क्या करें? भागो, भागो जी। इलाई, क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं उनका ध्यान बटाता हूँ। ये एक अच्छा आइडिया नहीं था। उसे बचाना चाहिए। अपना कमाल दिखाओ बोपी। तुम सोच क्या रहे थे? पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। मेरे डैड कहते थे कि उनसे निपटना आसान है। जब वो गुफा की रक्षा करते थे तब उनका हमेशा इनसे सामना होता था। हाँ, पर तुम्हारे डैड थे विल शेन और तुम बहुत बड़े पागल। रॉक लॉक गुफा, उम्मीद है कि इस राउंड में कुछ अच्छा होगा। और अगला राउंड है 3-on-3 टीम फाइट। अपने अपने पार्टनर चुन लो। तो क्या ख्याल है? ओ चलो भी, ये इतना भी बुरा नहीं है। अपने आप को बचाओ, यहाँ पर आओ। तो ऐसे ये तीनों है कौन? ये तीनों पावर ट्रिपलेट्स हैं। लोग इन्हें पावर ट्रिप्स भी कहते हैं। ये जब से पैदा हुए तब से ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये तीनों कुछ करने से पहले ही जान लेते हैं कि उन्हें करना क्या है। आगा।
हाँ, तुम सवा मैच का मजा ले रहे हो। वो भले ही विल्शेन का बेटा है, पर उसे ये सारी चीज़ें मैंने ही सिखाई है ना। सिर्फ यही छोड़ दो, और वो भी उस पर फिर से हिट मारो ब्रदर। ठीक है सिस्टर। वो रुको, उन तीनों में से एक लड़की है। हमें भी उनकी तरह एकजुट होकर लड़ना चाहिए। अपने स्लग दिखाओ। कॉर्ड, तुम फॉस्फोरो का इस्तेमाल करो। ट्रिक्सी, आर्किन हमारे काम आएगा। उसके बाद बारी है बैंग की। एक नए स्लग को समझने में कई हफ्ते लग जाते हैं इलाय, और कभी कभी तो महीने। तुम शूट तो कर लोगे, पर अंजाम देना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि तुमने जो स्लग जीता है वो वैसा ही करे जैसा तुम चाहते हो। मैं जानता हूँ मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, पर मुझे इस पर पूरा भरोसा है। कॉर्ड, तुम उनका ध्यान खींचो, मेरे इशारे पर इंतजार करना। जाओ, उम्मीद है हम इसमें कामयाब होंगे। वो देखो, अभी देखा, ये मेरी भाई चलो भी, सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। गुड, हमें आगे भी इसी तरह खेलते रहना चाहिए। ये बात गलत नहीं होनी चाहिए मॉरिस, मेरा वक्त बहुत कीमती है। ड्राइवर रॉकलॉफ गुफा ले चलो, डॉक्टर ब्लैक को स्लग मैच देखनी है। तो चलो देखते हैं कि इस नए शेन में कितना दम है। थैंक्स। मैंने अभी सुना, मुझे माफ करना। नहीं, मैं जीत गया, मैं फाइनल्स में हूँ। हाँ, और तुम्हारा मुकाबला जॉन बुल के साथ है। देखो उसने मेरा क्या हाल किया है। तुम में हुनर नहीं है, और ना ही तुम में वो बात है जिससे तुम उसके रामस से लड़ सको। मुझे ये कहने में खुशी नहीं हो रही, पर वो तुम्हें हरा देगा इलाय। इलाई से ऑटोग्राफा नहीं दे रहा, कोई बात नहीं ना, उसकी जगह मैं दे दूंगा। द स्लग टेरेनियन एक्सप्रेस, और उसमें देखो पैसेंजर कौन है। डॉक्टर ब्लैक, वो यहाँ क्यों आ रहे हैं। तुम में से इलाई शेन कौन है। शांत रहो बब, वैसे ये है कौन। डॉक्टर थाडियस ब्लैक, तुम्हारे पापा ने कभी बताया नहीं। लोग कहते हैं कि आखिरी बार तुम्हारे डैड को इसी ने देखा। अभी अभी जो तुम्हारे दोस्तों ने कहा वो सच है, विल्शेन एक सच्चा हीरो था। आज मैं उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ। क्यों ना हम कहीं और चलकर बात करें। मेरे दोस्त भी मेरे साथ आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। घबराओ मत दोस्तों, हम सिर्फ बातें करेंगे। खुद की ट्रेन होने का फायदा यह है कि तुम कभी भी और कहीं भी बड़े आराम से सफर कर सकते हो। कितना सॉफ्ट है जी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। तो विल्शेन का एक बेटा भी है। मुझे तो पता ही नहीं था। शेन के परिवार के काफी राज हैं। क्या आप मेरे पापा के दोस्त थे। दोस्त ऐसा कह सकते हो, पर तुम्हारे पापा और मेरे बीच कुछ गलत फहमियाँ थी, पर वो तो पुरानी बातें हैं। अब हम दोनों एक नई दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं।
कि आप आगे चलकर एक साथ काम करें। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास लग्स की कमी है, इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझा। उस लग को क्या हुआ है? क्यों, मैंने उसे और बेहतर बनाया है। लेकिन मेरी पहली कुछ कोशिशें ज्यादा कामयाब नहीं रही, पर अब ये मेरी रचना है। ये कोई रचना नहीं है, तुमने इसे बना दिया है एक तरह का गूल। गूल अच्छा नाम है। तुम स्लग्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो यहाँ के हर ताले की चाबी है। तुम स्लग तेरा को बर्बाद कर दोगे। ये मैं पहले भी सुन चुका हूँ। मैं ही बेवकूफ था जिसने सोचा कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। अब जाओ यहाँ से। इस छोटे से मुकाबले में तुम भले ही खुद को हीरो समझ रहे हो, पर अगर फिर कभी मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, शायद बोपी जानता है और वो तुम्हें पसंद नहीं करता, और ना ही मैं। मैं यहाँ का नया शेन बनूंगा, इसकी आदत डाल लो। वो सिर्फ एक बच्चा है, उससे हमें कोई खतरा नहीं बॉस। पर ये मत भूलो कि वो भी एक शेन है, और जब लोगों की रक्षा ये नया शेन करेगा तब ये हमारा काम बिगाड़ सकता है। डॉक्टर ब्लैक, आपको क्या चाहिए? कि तुम आज के फाइनल्स में जीतो। पर मेरी लड़ाई एक बच्चे से है। एक बच्चे से नहीं, एक शेन से है। एक शेन को कभी कम मत समझना। मुझे तुम्हारे ये स्लग्स नहीं चाहिए। अपनी हद में रहो, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम इसे उस बच्चे के खिलाफ इस्तेमाल करोगे। तुम बात जो भी हो अपने डैड की वजह से हो, उन्होंने ही तुम्हें सिखाया होगा। शायद तुम नहीं जानते मेरे पापा कब के जा चुके हैं, और मुझे ये चलाना किसी ने नहीं सिखाया। इलाय, बात कम करो और याद करो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। जरा फिर बताओगे? ब्लास्टिंग करते वक्त बात मत करना।